सो और गाइस क्या हाल है, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और GTA 5 के एक और गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है गाइस वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस आज भी हम कहीं पर शायद घूमने जाएंगे। वैसे तो गाइस अभी सोचा नहीं मैंने कि हम कहां जाने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले गाइस मैं जल्दी से शिनचैन के पास चल लेता हूं और गाइस पूछ लेता हूं उससे कि वो कहां पर जाएगा। तो गाइस देखो यार, ये रहा हमारा शिनचैन। और गाइस ये कर क्या रहा है आखिर? अरे शिनचैन ये क्या कर रहा है तू? अरे फ्रैंकलिन भैया, आपको बताया तो था कि मैं रोज सुबह उठ के वर्कआउट करता हूं, इसलिए मैं डांस करता हूं। ओ हां हां, तूने बताया था यार, सॉरी यार मैं भूल गया था। अरे आप वही बेवकूफ, अब भूलोगे ही ना, अपना मुंह बंद रख, ठीक है ना? हानी तो सुबह सुबह से दिमाग खराब कर रहा है। तो आज वैसे प्लान कहाँ पर जाने का है तेरा? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, आप ही हमेशा प्लान करते हो, आप ही बताओ। यार प्लान तो मैंने भी कुछ नहीं कर रखा। तो गाइस यार मैं एक काम करता हूँ गाइस, थोड़ा सा गाइस देखता हूँ गाइस आज हमारे लॉस सैंटोस का क्या नजारा है गाइस बाहर। और गाइस आप आसमान की तरफ भी देखोगे तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। हे फ्रैंकलिन। एक सेकंड गाइस, ये मेरे को पेनीवाइज जैसी आवाज क्यों आई? अपने बगल में देखो। बगल में गाइस? एक सेकंड भाई, पेनीवाइज तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो तुम मुझे बेवकूफ बनाने में कामयाब हो ही गए। तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता चलेगा कि शिनचैन अभी भी जिंदा है? अब मुझे बदला तुम्हारे भाई को मार के नहीं लेना, अब मैं बदला लूंगा तुम्हें मार के। एक सेकंड, तुम मुझे मारने के लिए आओगे यहाँ पर? नहीं, हम तो केवल तुम्हारा शरीर ले जाने आए हैं, जिसके अंदर हम वापस से मेरे बड़े भाई पेनीवाइज की आत्मा को डालेंगे। एक सेकंड, तुम दोनों में फर्क कितना है यार? तुम दोनों दिखते तो बिल्कुल सेम हो, हानि तो दोनों के दोनों पेनीवाइज हो। हम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, हम जुड़वा भाई है। वो मेरे से 5 मिनट बड़े हैं बस, और अब तुम्हारी वजह से वो मरे हैं, तो तुम्हारे शरीर के अंदर मैं उनकी आत्मा को घुसा दूंगा, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन के शरीर में पेनीवाइज फिर से जिंदा हो जाएगा। एक सेकंड, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मतलब ऐसा हो भी पाएगा क्या? और नहीं तो क्या। लेकिन यार तुम बात तो सुनो यार, वो सब मैंने करा ही नहीं, जब हल्क ने करा है वो सब। तुम हल्क को जाके देखो ना, मुझसे क्यों बोल रहे हो तुम? उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हेलो फ्रैंकलिन। सिलेंडर मैन, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तुम्हें लेके जाने के लिए, ये लो। हाँ गाइस, फाइनली मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है सारा का सारा वर्कआउट करने के बाद। अब जल्दी से मैं फ्रैंकलिन भैया के पास जाता हूँ। अरे पर फ्रैंकलिन भैया कहाँ चले गए? हेलो फ्रैंकलिन भैया, अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर हो आप? अरे चौप, तुमने फ्रैंकलिन भैया को कहीं देखा क्या? नहीं तो। अरे ऐसी बातें तो एक किडनैपर ही करता है। अरे ऐसी बातें किडनैपर कब से करने लगा? अरे क्या चौप, तुम कैसे डॉग हो? अपने मालिक को ही तुमने किडनैप कर लिया। अरे मैंने ऐसा नहीं किया कुछ। अरे क्या चौप, अगर तुम्हें डॉग फूड ही खाना था तो तुम मुझसे बोल देते, मैं तुम्हें दे देता ना। अब फ्रैंकलिन भैया को क्यों तुमने किडनैप करा? माना कि वो हमें रोज शिमला मिर्च खिला रही थी, पर फिर क्यों किया तुमने ऐसा? अरे पर मैंने ऐसा नहीं किया कुछ। गाइस पता नहीं चॉप कैसा डॉग है। गाइस ये शिनचैन मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है गाइस, मैं क्या करूँ इसका? प्लीज आप इसको कमेंट में बताओ कि मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ इससे। अरे गाइस कोई कुछ बोल रहा था क्या? मुझे कहीं से आवाज आ रही थी, पता नहीं कौन था, शायद चॉप ही होगा। अब मेरे को फ्रैंकलिन भैया को खुद ही ढूंढना पड़ेगा, चॉप तो मुझे बताएगा नहीं कि आखिर उसने मुझे कहाँ पर छुपा के रखा है। एक काम करता हूँ, ऊपर ही जाता हूँ जहाँ पर फ्रैंकलिन भैया मुझे लास्ट टाइम दिखे थे। अरे गाइस यहाँ पर तो गमले वगैरह भी गिर रखे हैं, जैसे यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई हो। अरे गाइस ये टेंटिकल तो सिलेंडर मैन का होता है, आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिलेंडर मैन और सायरन हेड ये सब फ्रैंकलिन भैया को किडनैप करके ले गई? हाँ ये क्या हो गया आखिर? मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा अवेंजर्स के पास। अवेंजर्स ही अब मेरे को कोई रास्ता बताएंगे इस चीज से बचने के लिए। गाइस अब मेरे को फ्रैंकलिन भैया को बचाने के लिए कुछ करना होगा। एक काम करता हूँ, जल्दी से बाहर जाता हूँ, मुझे उन्हीं की कार चलानी होगी। अब चाहे कुछ भी हो, मैं गाड़ी कैसी भी चलाऊँ, मुझे जल्दी जाना होगा अवेंजर्स के पास। गाइस अगर घोस्ट कम्युनिटी ने फ्रैंकलिन भैया को कुछ भी किया तो उनकी ऐसी की कैसी कर दूंगा मैं। कितने दिन हो गए गाइस गाड़ी चलाए हुए, इस ड्राइविंग के लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से दबा दो। अरे मेरे साथ फ्रैंकलिन भैया नहीं है, पर मैक्स भाई आप हो गए ना? अरे हाँ हाँ मैं तो हूँ ना तेरे साथ, तेरे को पता नहीं मैं हर समय तेरे साथ ही होता हूँ। हाँ, चलो फाइनली कम से कम आप तो मेरे साथ हो, अब हमें फ्रैंकलिन भैया को मिलके बचाना होगा। आप मेरे को बताओ कि मैं क्या करूँ? अरे वही सही जा रहा है यार, तू अवेंजर्स के पास ही जा, वही हमें कुछ बताएंगे अब। हाँ, सुन के अच्छा लगा, कम से कम आप मेरी तारीफ तो कर देते हो कभी कभार। फ्रैंकलिन भैया तो तारीफ भी नहीं करती, पर मैं क्या बोलूँ, मुझे उन्हें बचाना ही होगा, भले ही उनकी शक्ल कितनी भी ज्यादा बुरी हो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से पादे मार जाना, तुम्हारी पादनी हमें कितना है सड़ाया, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। अरे यार शिनचैन यार कैसे गाने गाता है भाई, तू दिमाग क्यों खराब करता है हमेशा? अरे क्या हो गया मैक्स भाई, आज तो फ्रैंकलिन भैया भी नहीं है, कम से कम आज तो गाने दो। अरे यार ऐसे गाने मत गाया करना, थोड़े अलग गा लिया कर हानी तो। अरे आपको अच्छे नहीं लगते क्या? अरे मुझे तो पसंद है यार, लेकिन वो तेरा फ्रैंकलिन भैया मुझे बोलेगा ना बाद में। अरे क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ना उनकी बातों पे क्या ध्यान देना। अरे वाह गाइस हम तो फाइनली यहाँ पर आ गए, अब जल्दी से मैं अंदर चल लेता हूँ। अरे गाड़ी कितनी अजीब है फ्रैंकलिन भैया की। अच्छा जब फ्रैंकलिन गलत ड्राइविंग करता तब तू बोलता है कि उसकी ड्राइविंग गलत है, और अभी तूने गाड़ी खुद ने ठोक दी तो मतलब गाड़ी बेकार है। अरे क्या मैक्स भाई, बोल बोल के सबको सीक्रेट क्यों बता रही हो? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।
बताओ भी तेरे को। चलो गाइस मैं फाइनली यहाँ पर आ गया, अब जल्दी से अंदर जाके इनसे हेल्प मांग लेता हूँ। काश अंदर टोनी शार्क अंकल हो। अरे वाह यहाँ पर तो अंकल भी है। अरे सुनो ना टोनी शार्क अंकल। टोनी शार्क नहीं टोनी स्टार्क। अरे हाँ जो भी हो क्या फर्क पड़ता है, प्लीज आप जल्दी से मेरी मदद करो। अरे क्यों ऐसा क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन भैया को घोस्ट कम्युनिटी वाले किडनैप करके ले गए, मतलब सायरन हेड और सिलेंडरमैन ये सब मिलके। यार मेरे को लग रहा है ये लोग मर करके ही मानेंगे शिनचैन इन लोगों ने सच में हद कर रखी है। अब मैं क्या बोलूं आयरन मैन, एक समय पे ये लोग हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, अब पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। ये सब कुछ हल्क की वजह से हुआ है। हल्क की वजह से नहीं, डॉक्टर बैनर की वजह से हुआ है ये। उसी ने मेरे को बुलाया था पेनीवाइज को मारने के लिए। अरे अब ये फालतू की बातें मेरे सामने मत करो, नहीं तो। अरे आयरन मैन क्या तुम उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो? हाँ मैं उनकी लोकेशन ट्रैक तो कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि तू उनसे लड़ेगा कैसे फिर, क्योंकि हम तो लड़ने जाएंगे तो हम तो वहाँ पर उनसे हारने वाले हैं मुझे जहाँ तक पता है, लेकिन एक बंदा है जो उनसे जीत सकता है। अरे अब ये मत बोलना कि तुम हल्क को भेजने वाले हो। अरे नहीं यार मेरे को मुसीबतें फिर से थोड़ी बरानी है, इस बार मैं तुम्हारे साथ थॉर को भेजने चाहूंगा। एक मिनट, नहीं यार आयरन मैन मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ आज, मैं कहीं नहीं जा सकता, आज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम से वापस से एसगार्ड जाना है। अरे क्या थॉर, तुम इतनी बड़ी मुसीबत में हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो? अरे मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ ना। क्या? मैं अपनी सारी पावर्स तुम्हें दे देता हूँ एक दिन के लिए, और तुम जा करके उन घोस्ट कम्युनिटी वालों को मजा चखाओ। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अरे वाह ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। गाइस इसके लिए तो एक लाइक बनता है वीडियो पे, जल्दी से दबा दो। हाँ जो जल्दी से अब तुम्हें मैं पावर देनी स्टार्ट करता हूँ अपनी, तो एक काम करो मैं तुम्हें अपना हथौड़ा दूंगा सबसे पहले, उस हथौड़े को मैं परमिशन दे दूंगा कि तुम भी उसे उठा सकते हो, और बस मेरी सारी की सारी पावर्स तुम यूज कर पाओगे इसके बाद। अरे वाह ऐसी बात है क्या, तो जल्दी से करो। हाँ एक सेकंड। अरे वाह गाइस ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, अगर मेरे को थॉर की पावर मिलेगी तो इसी बहाने में कम से कम उनको ट्राई तो कर लूंगा। वैसे खुजली के देवता थॉर? खुजली के देवता नहीं बिजली के देवता, कितनी बार बोलूं मैं तुम्हें। अरे हाँ जो भी हो तुम्हारी ये जो पावर्स है कहीं मेरे को इनसे झटका तो नहीं लगेगा, कहीं पता चले कि मैं भी भून जाऊँ एकदम चिकन तंदूरी की तरह। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तुम दिक्कत मत लो, तुम उन पावर को आराम से यूज कर पाओगे और तुम्हें बिजली का पता तक नहीं चलेगा, तुम्हें तो ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे ऊपर कोई कवच है बिजली का। अरे भाई ऐसा होगा क्या? हाँ ऐसा ही होगा, तुम ट्राई तो करो। चलो ठीक है जल्दी से मैं तुम्हारी पावर ले लेता हूँ। हाँ तो जल्दी से एक बार अपनी आंखें बंद करो और मेरे पीछे बोलो मेरे हथौड़े का नाम म्योलनीर। ये कैसा नाम है म्योलनीर? अरे गाइस ये हथौड़ा मेरे हाथ में क्या कर रहा है? मेरे को लग रहा है म्योलनीर बोलने की वजह से ये हुआ। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, तुमने हथौड़े का नाम लिया और मैंने हथौड़े को परमिशन दे दी थी कि तुम भी इसे यूज कर सको। अरे भाई तो बहुत ही खतरनाक बात है, अब जल्दी से इसे मैं ट्राई करता हूँ। देखा हल्क मैं तो थॉर का हैमर भी उठा सकता हूँ। अरे वाह हल्क को शिनचैन पसंद है। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो थॉर अगर मेरे को उड़ना होगा तो मैं तुम्हारे हैमर को यूज कर सकता हूँ ना? अरे हाँ तुम्हें जो करना है तुम करो। चलो गाइस जल्दी से बाहर चलते हैं यहाँ से। अरे वाह मेरे अंदर तो बिजली आ गई बाहर निकलते ही, ये कैसे हो गया पता नहीं, जल्दी से उड़ता हूँ यहाँ से। अरे वाह मैं तो कितनी ऊंची उड़ान भर रहा हूँ। गाइस आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी लग रही है ये सुपर पावर, अब जल्दी से नीचे उतरता हूँ। अरे वाह ये तो बहुत ही जोर की बिजली फटती है। हेलो अंकल एक काम करता हूँ इन दोनों को मार के ट्राई करता हूँ कि कैसा लगेगा, ये लो। अरे वाह ये हथौड़ा तो बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, अब जल्दी से नॉर्थ यंगटन जाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया मैं आ रहा हूँ जल्दी से आपके पास, जल्दी चलते हैं गाइस। अरे गाइस एक चीज तो मैं चेक करना भूल ही गया। अरे यार मैं फिर से इस जमीन पर टकरा गया, कोई बात नहीं मेरे को एक चीज ट्राई करनी थी कि क्या मैं इस जगह पर टोर्नेडो बना सकता हूँ, ट्राई करते हैं। अरे वाह मैंने तो इस ट्रक को भी उड़ा दिया हवा में, ये तो बहुत ही खतरनाक सीन ही गाइस, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, मैं कितना तगड़ा लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई चक्री चला रहा हूँ हाथों में और इसकी वजह से इतना ज्यादा तबाही मच रही है। अरे गाइस मेरे को जहाँ तक पता है कि थॉर तूफान भी ला सकता है, मैं ट्राई करता हूँ तूफान लाने की, एक बार इसको लेके आता हूँ तूफान को। अरे वाह मैंने तो एक सेकंड में तूफान ले आया, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। अरे पर मैं तो भूल ही गया कि मेरे को फ्रैंकलिन भैया को बचाने जाना है, जल्दी से चलता हूँ बचाने के लिए। देखो गाइस मैं फाइनली नॉर्थ यंगटन आ गया, अब मेरे को बस फ्रैंकलिन भैया को ढूंढना है जल्दी से। फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर हो तुम? अरे ये क्या अचानक से यहाँ पर इतनी तेज बारिश कहाँ से आ गई? पेनीवाइज तुम जानते नहीं हो कि तुमने किस बंदे से पंगा लिया है? अच्छा तुम इंसान हमें बताओगे कि हम किससे पंगा ले रहे हैं? तुम्हें पता नहीं है कि शिनचैन मुझे बचाने जरूर आएगा। हाँ, वो 5 साल का छोटा बच्चा, वो आखिर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तुमने मुझे कमजोर समझ रखा है क्या? तुम्हारे अंदर तो मैं अभी अपने भाई को जिंदा करूंगा और तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। पेनीवाइज तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे। फ्रैंकलिन ज्यादा मत बोलो तुम। कोई बात नहीं सिलेंडरमैन इसको बोलने दो, बेचारे को तकलीफ हुई है, बोलने दो। अरे पर ये सही बोल रहा है पेनीवाइज, थोड़ा सा ध्यान रखना, वो लड़का 5 साल का तो है पर कुछ ज्यादा ही तेज है। बच्चों को कैसे हैंडल करना है ये तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, तुम मुझे मत सिखाओ सायरन हेड, मैं देख लूंगा उस बच्चे को, आके होगी तो मैं पेनीवाइज। भैया मैं तुम्हें वापस जिंदा करके रहूंगा। मेरे रहते नहीं। ये क्या, ये तो उसी 5 साल के बच्चे की आवाज है। हाँ मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना इसलिए। ए बच्चे आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? अभी बताता हूँ पेनीवाइज, तो गाइस क्या बोलते हो इनको मजा चखाऊं? इन तीनों को तो मैं एक ही शॉट पे मारूंगा, ये लो।
देखा गाइस, एक ही बार में इनको खत्म कर दिया मैंने। मेरे को तो खुद को भी नहीं पता था कि मेरा हथौड़ा इतना ज्यादा स्ट्रांग है। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप ठीक तो हो ना? अरे हाँ यार, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मेरे को ये बताइए, ये थॉर वाला हथौड़ा तेरे पास क्या कर रहा है? अरे इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, ये थॉर ने मुझे खुद ही दिया है ताकि मैं आपको आके बचाऊं। अरे वाह यार, थैंक यू शिनचान, तूने तो भाई सच में मेरी जान बचा ली यार। ये लोग मेरे को सच में मारने वाले थे, पर मेरे को पता था कि तू आ जाएगा। अब मैं हूँ इतना ज्यादा खास। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया, ये लोग जब आपको किडनैप कर रहे थे तब आप इनसे बोल देते ना कि आप कम से कम कपड़े तो चेंज कर लेते, फिर से चड्डी बनियान में ही बाहर आ गए। तेरे को मेरे चड्डी बनियान के पड़े, तेरे को ये नहीं दिख रहा कि मैं वापस सही सलामत खड़ा हूँ? अरे पर आप हमेशा चड्डी बनियान में निकल जाते हो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा चल ठीक है यार, मैं कपड़े चेंज कर लिया करूंगा। हाँ ये हुई ना बात। अरे पर मुझे ये तो बता, मैं कैसे जाऊंगा? तो कोई गाड़ी वाड़ी तो लाया नहीं यहाँ पर, और इतनी तेज बारिश हो रही है, हेलीकॉप्टर भी ढंग से काम नहीं करेगा। अरे उसकी टेंशन मत लो, अभी मैं काम करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगे इतनी आसानी से? अरे पैनिक पैस, पहले तुम्हें मारा था, तुम वापस से जिंदा कैसे हो गए? अभी बताता हूँ शिनचैन। अरे गाइस, ये दोनों कहाँ गायब हो गए आखिर? अरे ये फिर से पैनिक पैस ने क्या किया? अरे पैनिक पैस, तुम फ्रैंकलिन भैया को कहाँ पर लेके चले गए? अब गाइस मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, मुझे उनके पास टेलीपोर्ट होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे फ्रैंकलिन भैया को एक और बार याद करना पड़ेगा। गाइस अब जल्दी से कोशिश करता हूँ उनके पास जाने की। अरे ये क्या गाइस, अरे गाइस ये तो मैं अपने ही घर पे आ गया, मेरे को लग रहा है फ्रैंकलिन भैया यहीं कहीं होंगे, जल्दी से उन्हें ढूंढता हूँ। अरे गाइस देखो, ये लोग यहीं पर खड़े हैं। अरे ये क्या, इतना सारा खून लगा हुआ है दीवार पे। अरे पैनीवाइज, तुमने फ्रैंकलिन भैया के साथ क्या किया? शिनचैन, हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं आ गया हूँ, अब चिंता मत करो। ए बच्चे, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे भाई को यूं ही छोड़ दूंगा? इसने मेरे भाई को मारा है। अरे इन्होंने नहीं मारा, कितनी बार बताऊं तुम्हें, हल्क ने मारा है, हल्क से जाके मिलो। हल्क को तो मैं बाद में भी देख लूंगा, लेकिन हल्क लेकर के कौन आया था लॉस सैंटोस में? तुम्हारा भाई फ्रैंकलिन, और इसी ने मेरे भाई को मारा है, तो इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और अगर तुमने मुझको परेशान किया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा शिनचैन। है पर तुम आखिर कर क्या लोगे? अभी दिखाता हूँ तुम्हें। अरे काई से पेनीवाइज आखिर कहाँ गायब हो गया? शिनचैन जरा बाहर तो आओ। ये क्या, मेरे को बाहर से आवाज आ रही है पेनीवाइज की? आखिर काई से मेरे को बाहर क्यों बुला रहा है? मेरे को लग रहा है पेनीवाइज यहीं पर कहीं पर होगा। ये देखो काई, ये रहा पेनीवाइज। अरे ये क्या, ये तो मुझे मारना चाहता है, अभी बताता हूँ इसे। ये लो मेरा हथौड़ा खाओ, ये लो ये लो ये लो, तूफान के मजे लो पेनीवाइज। पेनीवाइज को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ गाइस, आखिर इसने मेरे को समझ के रखा है। अरे कहाँ चले गए तुम गाइस, ये पूरे शहर में मेरे को घुमा रहा है फालतू में। अरे देखो ये रहा, ये आ गया, ये लो। तुम्हें पता नहीं है क्या कि थॉर के पास कितनी ज्यादा पावर होती है? ओ बच्चे, तुम में इतनी ज्यादा ताकत कहाँ से आई? अरे पर ये फिर से कहाँ चला गया पेनीवाइज? गाइस ये पेनीवाइज ने मेरे को सच में दुखी कर दिया, कितनी बार बार घूमे जा रहा है। ये देखो ये रहा, अरे ये क्या, ये तो कांटे मार रहा है मुझे, भागना पड़ेगा मुझे यहाँ से थोड़ा सा। अच्छा बताता हूँ तुम्हें, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, तुमने मुझे समझ के रखा है पेनीवाइज, अब तो तुम्हें जान से मारूंगा मैं। अरे 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 शिनचैन मर चुका है वो ऑलरेडी, मेरे को लग रहा है कि वो मर चुका है। हाँ अब मेरे से कोई नहीं बचेगा। ये लो अंकल, तुम अपनी गाड़ी क्यों लेके आए बीच में? अरे शिनचैन शांत हो जा भाई, क्या कर रहा है ये तू? अरे मैक्स भाई वो थोड़ा सा गुस्सा चढ़ गया था। अब गुस्से के चक्कर में अभी इतने सारे लोगों की जान ले लेता तू। अरे पा यहाँ पर तो पेनीवाइज मर चुका है, लेकिन यार इसको तू देखेगा तो यार इसमें से खून नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हाँ बोलते आप बिल्कुल सही रही हो, अब मुझे लगता है मुझे फ्रैंकलिन भैया के पास वापस जाना चाहिए, जल्दी से फ्रैंकलिन भैया के पास चल लेता हूँ। गाइस फाइनली मैं यहाँ पर आ गया, अब जल्दी से नीचे जाता हूँ, फ्रैंकलिन भैया को देख लेता हूँ कहाँ पर है। अरे शिनचैन यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे थोड़ी सी कमर पे चोट आई है। अरे यार तू मेरे से थोड़ा दूर खड़े रहे यार, ये करंट सा मार रहा है यार तू मेरे को इतनी जोर से। अरे फ्रैंकलिन भैया कोई बात नहीं, मैं जल्दी से दूर चला जाता हूँ, अरे सारी की सारी पावर्स वापस से थॉर को देके आ जाता हूँ, तब तक आप अपनी पट्टी वट्टी कर लेना। ठीक है गाइस, अब जल्दी से चलते हैं यहाँ से थॉर के पास। वैसे गाइस कुछ भी बोलो, थॉर की पावर्स होती सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है ना, कमेंट में मेरे को जरूर बताना। अरे गाइस क्यों ना मैं जाते जाते तूफान को भी वापस भेज दूं। अरे वाह तूफान तो वापस चला गया। गाइस ये क्या हुआ था यहाँ पर अभी? मेरे को लग रहा है शिनचैन के पास सच में बहुत ही ज्यादा ताकत आ गई थी। अरे सिलेंडर मैन, अरे सायरन हेड, बहुत जोर की मेरे सर पे हथौड़ा पड़ा यार, थोड़ी देर मेरे को और सोने दो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ पेनीवाइज कहाँ चला गया? दोस्तों, अरे पेनीवाइज ये तुम्हारी क्या हालत हो रखी है, तुम्हें भी हथौड़ा पड़ा क्या सर पे? अरे मुझे कहाँ कहाँ हथौड़ा नहीं पड़ा थी ये पूछ, तू वो सारी बातें छोड़ और मेरी ये चोटों को ठीक कर। ना जाने कितनी मुश्किल से बचते बचाते मैं यहाँ पर आया हूँ, उस शिनचैन के पास आखिर इतनी सारी शक्तियाँ आती कहाँ से है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, इंसानों में कभी हमें हराने की ताकत नहीं आई, पर ये लोग पता नहीं कहाँ से इतनी सारी शक्तियाँ ले आते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ यार, इसका भी कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। गाइस फाइनली मैं घर पे आ गया, अब जल्दी से फ्रैंकलिन भैया के पास चले जाता हूँ और उन्हें देख लेता हूँ कि उनकी क्या हालत है अब। चलो फ्रैंकलिन भैया अभी भी बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। अरे शिनचैन वो सब छोड़ यार, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, पर तू ये बता तेरे को कुछ बोलना है क्या लोगों से? हाँ गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और आज भी मैं करूंगा 20,000 लाइक्स का, मुझे पता है आप हमेशा की तरह इसे भी पूरा करवा दोगे, तो प्लीज इसे भी जल्दी पूरा करवा देना। पर हाँ अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड या ट्विटर इन तीनों पे फॉलो कर सकते हो, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। तो गाइस मैं मिलूंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी एडवेंचर
डेंजरस जगह पर जाएंगे हम, और अब मेरे को घोस्ट कम्युनिटी का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताना। अरे वाशिंगटन यार, आज भी तूने बिल्कुल सब कुछ सही बोला। अब यार तू मेरे को ये बता कि अब मैं करूं क्या। अरे करना क्या है, गहरी सांस लो और जोर से पान मारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर जगह तेरी पाद क्यों आ जाती है ये। अरे पादना हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आप भी पाद मार के देखो। अपना मुंह बंद रख तू, ठीक है।